खरगोन मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा परिवार नियोजन व पुरुष नसबंदी को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। खरगोन जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी रजनी डावर द्वारा मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पुरुष नसबंदी एवं जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा मनाने और जन जागरूकता फैलाने को लेकर चर्चा की। 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक पुरुष नसबंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें पुरुषों को नसबंदी करवाने के लिए प्रोत्साहित कर जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने की बात कही। इस दौरान उपस्थित पत्रकारों का ब्लड प्रेशर व शुगर की जाँच की गयी। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। खाने में से या किसी को तकलीफ होती है उल्टी वॉमिटिंग, तो उसके लिए ये भी बेस्ट तरीका रहता है कि वो अंतरा का उपयोग करे। तो 3 महीने में एक बार लगता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, बस इसमें ये रहता है कि मेंसेस थोड़ा इररेगुलर हो जाता है। और ये जो हमारे निरोध है पुरुष ने डॉक्टर साहब ने बताया है, और जैसे कि हमारी ये छाया गोली है, ये हफ्ते में एक बार खाने की होती है। ये हमारी जो रोजाना खाने की होती है वो गोली है। ये हमारी इजी पिल है, ये मतलब ये खाने की होती है इमरजेंसी में। मतलब जैसे कोई चीज अपन उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आप ये गोली, मतलब जैसे कंसीव करने का डर रहता तो ये गोली यदि 72 घंटे के अंदर खा लेते हैं तो कंसीव करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये सारी जितनी भी चीजें हैं, मतलब सारी हमारी निःशुल्क दी जाती हैं और हर अस्पताल में, हर संस्था में है, और यदि कहीं भी आवश्यकता होती है संभावना कम होती है, मतलब एक रेट कम है उसमें, है ना। किसी के संपन्न व्यक्ति के दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे स्वस्थ रहते हैं, वो पूरा ध्यान रख पाता है। और जितना शिक्षित व्यक्ति होगा, संपन्न व्यक्ति होगा, उसका परिवार उतना छोटा होगा। गरीबी के लिए भी शासन की जो योजनाएं चल रही है उसके अलावा कई बार बच्चों का उपयोग जीविका वो इनकम में भी सहायता देते हैं कि बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चे भी काम करने लगते हैं, तो एक वो भी कारण है गरीबी के पीछे कि बच्चे भी काम करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।